नमस्कार, आप हैं द खबरदार .com के साथ और मैं हूं वेद। आज की ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, चंद्रयान 2 ने चांद की सतह के 4375 किलोमीटर ऊपर से क्रेटर्स की तस्वीरें ली, 11 दिन बाद लैंड होगा। चंद्रयान 2 ने दूसरी बार चांद की तस्वीरें भेजी हैं। इसरो ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि भेजी गई तस्वीरें चांद की सतह से 4375 किलोमीटर ऊपर से टेरेन मैपिंग कैमरे के जरिए ली गई हैं। यह तस्वीरें चांद पर मौजूद क्रेटर्स की हैं। इनमें से एक फोटो क्रेटर मित्र की है, जिसका नाम भारतीय प्रोफेसर और पद्म भूषण विजेता भौतिक शास्त्री शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा चंद्रयान 2 ने जैक्सन मार्क कोरोलेव क्रेटर्स की तस्वीरें भी ली। RBI सरकार को रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा, जालान कमेटी की सिफारिशें हुई मंजूर। RBI सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा। रिजर्व बैंक ने बिमल जालान कमेटी की सिफारिशें मानते हुए सोमवार को इसकी मंजूरी दी। RBI के सरप्लस फंड में से सरकार को कितनी रकम मिलनी चाहिए, ये तय करने के लिए पिछले साल दिसंबर में RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। नौसेना ने कहा, अंडर वाटर अटैक की तैयारी में जैश। वायुसेना बोली, हमारी नज़र पाक चीन के हवाई अभ्यास पर। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने सोमवार को कहा कि मैं खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अंडर वाटर अटैक करने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि हमले के लिए जैश आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है, पर हम भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा किसी भी हमले के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। उधर पाकिस्तान और चीन के हवाई अभ्यास पर भारतीय वायुसेना ने कहा कि हम इस पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। CBI ने चिदंबरम के सामने सह आरोपी को बिठाकर पूछताछ की, नए सबूत मिलने का दावा। INX मीडिया केस में दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी। अब उन्हें 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। CBI ने कोर्ट को बताया कि चिदंबरम ने इस घोटाले की एक और आरोपी के मौजूदगी में पूछताछ की। 3 बार मध्यस्थता की पेशकश कर चुके ट्रंप को मोदी की दो टूक, कश्मीर पर किसी देश को कष्ट नहीं देना चाहते। BRT में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच कश्मीर मसले पर बात हुई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने ट्रंप के सामने दो टूक कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है और हम दुनिया के किसी भी देश को इस पर कष्ट देना नहीं चाहते। 5 सिस्टम एक्टिव, भोपाल में टूट सकता है 2016 का रिकॉर्ड। पूरे प्रदेश में मानसून के 5 सिस्टम का एक बार फिर एक्टिव हो गया है। इससे सोमवार को भोपाल समेत 29 जिलों में झमाझम बारिश हुई। सबसे ज़्यादा 5 इंच बारिश छिंदवाड़ा के तामिया में रिकॉर्ड हुई, जबकि पंचमढ़ी होशंगाबाद में 2-2 इंच और भोपाल में 1.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिवराज ने गिरफ्तारी दी, कहा किसानों को मुआवजा दें नहीं तो सरकार को घेरेंगे। किसानों की फसलों का तुरंत सर्वे नहीं कराया गया और 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया तो मंत्री, कांग्रेस विधायक एवं सरकार को घेरेंगे। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कही। दूसरी जाँच कमेटी ने भी माना अजीत जोगी आदिवासी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले की जाँच कर रही आदिम जाति विभाग के सचिव DD सिंह की अध्यक्षता वाली हाइपर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इससे पहले पिछले साल भी रीना बाबा कंगाले की कमेटी ने भी जोगी की जाति को आदिवासी नहीं माना था। सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना है और अजीत जोगी के सभी जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया है। परमाणु बम की धमकी देने के बाद मियां दाद का शांति राग, कहा मैं अमन के लिए सीमा पर जाऊंगा। मियां दाद ने रविवार को एक वीडियो जारी किया। इसमें कहा, पाकिस्तान और यहां का आवाम अमन चाहता है, मैं बॉर्डर पर यह संदेश लेकर जाऊंगा। रेलवे स्टेशन वाली सिंगर रानू का हुआ बेटी से मिलाप, 10 साल से मां को ढूंढ रही थी। कुछ दिन पहले रानू मंडल 2 वक्त की रोटी को मोहताज थी। एक यात्री ने रानू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उसके बुरे दिन खत्म हो गए। रानू को हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म में सिंगिंग ब्रेक दिया है। रानू के पास आज नाम भी है और पैसा भी। किस्मत की इसी मेहरबानी के कारण 10 साल बाद रानू
की बेटी भी वापस लौट आई है। सितंबर में लॉन्च हो सकता है 48 मेगापिक्सल कैमरे वाला गैलेक्सी M30S। मिलेगी सैमसंग की सबसे पावरफुल बैटरी। स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग जल्द ही गैलेक्सी एम सीरीज के अंदर अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक यह स्मार्टफोन गैलेक्सी M30S होगा। इसे सितंबर के बीच में लॉन्च किया जाएगा। M30S में ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। उधारी से दुकानदार को देखा परेशान, तो 12वीं के छात्र ने बना दिया उधार खाता मोबाइल ऐप। देश में कई दुकानदारों का बिजनेस ज़्यादातर उधारी पर चलता है। किराना, दूध, धोबी, सब्जी, चाय और पान की दुकान चलाने वाले महीने के आखिरी में ग्राहकों से पैसा लेते हैं। इस बीच उधारी लिखना भूल जाएं तो नुकसान भी हो जाता है। दुकानदारों की इसी समस्या का समाधान करने के लिए गुड़गांव के एक हेरिटेज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र अर्जुन अग्रवाल ने उधार खाता ऐप बनाया है। हमारी ताज़ा खबर आपको कैसी लगती है, इसका सुझाव कमेंट बॉक्स पर दें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।